गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी साइकिल 2.0 में। और दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, और अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में हम लोगों का जो पहला चैप्टर था दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, उसके दोस्तों हम लोग PDF के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व भी कर लिए थे। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोगों के बचे हुए हैं वो भी हम लोग धीरे धीरे सारे करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने समथिंग 16 से 17 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, और दोस्तों आज हम लोगों को सॉल्व करना 18वें क्वेश्चन से, ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, वो आप लोग देख लीजिएगा अपनी PDF नोट से, ठीक है। और अगर आपने अभी तक PDF नोट नहीं मिला हुआ है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन होइएगा और आपको वहाँ से जो है PDFs मिल जाएगा, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिएगा अप्लाइड मैथमेटिक्स करके, तो आपको PDF वहाँ पे दे दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, 18वां क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों, 18वें क्वेश्चन में आपसे बोला गया है किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल शून्य है। कितना दोस्तों? 15 पदों का योगफल शून्य है। 15 पदों का योगफल आपका शून्य दिया गया है। कितना है दोस्तों? जीरो है। 15 पदों का योगफल जीरो है, यानी हम बोल सकते हैं सम ऑफ 15 टर्म इज इक्वल टू जीरो, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। दोस्तों, आगे आपसे बोला गया है यदि चौथा पद 12 हो। क्या हो दोस्तों? चौथा पद अगर 12 दिया गया हो, ठीक है, जो चौथा पद है आपका वो आपका 12 है, यानी कि हम बोल सकते हैं टी ऑफ 14। इसके बाद दोस्तों हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये आपका पद है, टी एन से हम पद को डिनोट करते हैं और एस एन से पदों के योग को, ठीक है। तो चौथा पद था ना दोस्तों, तो यहाँ चलिए T4 होगा, ठीक है। क्या होगा? T4 होगा, चौथा पद नहीं है आपका, चौथा पद है तो T4 होगा, जो कि कितना है आपका? 12 दिया गया है। दोस्तों, आगे बोला गया है 12वां पद क्या होगा, यानी कि T12 आपसे पूछा गया है 12वां पद आपका क्या होगा। तो 12वें पद को निकालने के लिए आपके पास श्रेणी के प्रथम पद और उसके कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर, इन दोनों की वैल्यू अगर आपके पास है तो आप 12वां पद निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आपके पास एक समीकरण यहाँ से बन जाएगा, एक समीकरण आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा दोस्तों? एक समीकरण आपका यहाँ से बन जाएगा और एक समीकरण आपका यहाँ से, ठीक है। दोनों समीकरण को अब आप क्या करिए, सॉल्व करिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हमसे बोला गया था दोस्तों 15 पदों का योग, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, 15/2 यानी कि n/2 2a, ठीक है, प्लस n-1 यानी कि 15-1 इंटू डी करना है, और ये कितना है? जीरो है, तो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 15/2 2a प्लस, यहाँ देखिए हम इसको कितना लिख सकते हैं, 14d लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा हमारा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। और यहाँ देखिए दो आपका भाग में, यहाँ जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया, यानी 15, अब अंदर गुणा कर दीजिए, 2a प्लस 15 गुणे 14 हो जाएगा, d इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 15 × 2 = 30a हो जाएगा, प्लस इसमें आप मल्टीप्लाई करिए तो 15 × 4 = 60 का जीरो हो जाएगा, आपका हासिल 6 आ जाएगा, ठीक है। 15 × 1 = 15 और 6 × 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 210d इज इक्वल टू जीरो, ये आपका समीकरण 1 बन गया, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपने समीकरण 1 प्राप्त कर लिया। अब दोस्तों आपको आगे क्या है, समीकरण यहाँ से दूसरा प्राप्त कर लेना है, ठीक है। T4 इज इक्वल टू 12 दिया गया है, यानी nवें पद, तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, एन आपका 4 है, तो 4 − 1 इंटू डी, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 12, ठीक है। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर चौथा पद कहा गया तो a प्लस 3d होता है, अगर छठवां पद कहा जाता है तो a प्लस 5d होता है, ठीक है। यानी एक कम कर देते हैं और d से गुणा कर देते हैं, ठीक है, और प्रथम पद के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व करके बता दिया, और अगर आपको आता है तो आप सीधा भी यहाँ कर सकते थे, ठीक है। a प्लस 3d हो जाएगा आपका चौथा पद, और कितना, ये 12 है, तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को हल करना है, तो हमारा कुछ ना कुछ कटना चाहिए, यानी अगर हम यहाँ 30 से गुणा कर दें तो यहाँ 30 यहाँ है, 30 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप 30 से गुणा कर दीजिए, जब 30 से गुणा करेंगे तो ये 30a हो जाएगा, और 30 × 3 = 90d हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ 12 में गुणा करना है तो 12 × 36 यानी 360, तो ये आपका समीकरण अब 2 बन गया। अब दोनों को आप घटा दीजिएगा, यानी कि 30, ये पहला समीकरण नोट करिए, 30a प्लस 210d, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है, ये आपका समीकरण 1 हो गया, और समीकरण 2 ये आपका ये है 30a प्लस
90 डी इज इक्वल टू 360, ठीक है, इनको आप घटा दीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, समीकरण एक से समीकरण दो को दोस्तों हमने घटा दिया है। ठीक है, अब घटाने के बाद क्या होता है, यहाँ साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज होने के बाद ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे। आगे देखिएगा, ये आपका 210D है और ये आपका 90D है, आप घटा सकते हैं। तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा दोस्तों 120, यानी देखिए 0 हो जाएगा और यहाँ 11 से 9 जाएगा तो 2 और यहाँ 1 बचा, 120D हो जाएगा आपका। ठीक है, इज इक्वल टू, आगे देखिएगा यहाँ आपका माइनस का 360 बचा, कितना बचा माइनस का 360, तो आपसे यहाँ डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, माइनस का 360 और बटे में दोस्तों कितना आ जाएगा, बटे में आपका आ जाएगा 120, 0 से 0 काटिए, 12 36, यानी कि माइनस 3 आपका क्या हो गया, डी की वैल्यू हो गई। अब आपके पास डी की वैल्यू आ चुकी है, आप किसी भी समीकरण में यहाँ से रख दीजिए, चाहे समीकरण एक में या समीकरण दो में, ठीक है, तो आपकी क्या आ जाएगी दोस्तों, आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं, मान लीजिए ए प्लस 3D में हम जो है डी की वैल्यू रख देते हैं, तो ए प्लस 3D इज इक्वल टू 12 था हमारे पास, अब डी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ए प्लस 3 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 3 3 9, वो भी माइनस का, अब इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 9 हो गया, अब इनको ऐड करिए, ठीक है, तो 9 2 11, यानी कि ये हो जाएगा 21। तो आपकी a की जो वैल्यू थी दोस्तों वो कितनी 21 आ गई। अब आपके पास एक डी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, ठीक है, और अब आप क्या करिए, यहाँ से जो आपको 12वां पद निकाला था इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, क्या लगा दीजिए, 12वां पद का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको निकालना है T12, यानी कि 12वां पद। तो 12वें पद के लिए फार्मूला क्या होगा, पहले आप देखिए nवें पद के लिए फार्मूला क्या होता है, तो nवें पद के लिए फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपसे पूछा क्या 12वां पद, तो n की जगह 12 रख दीजिए, a आपके पास है, d आपके पास है, ये जो आपने निकाला वो 21 है, तो 21 प्लस एन आपसे कितना पूछा है 12, तो 12 माइनस 1 इंटू डी आपने निकाला, अभी कितना था माइनस का 3, इसके बाद यहाँ 21 हो जाएगा प्लस 12 से 1 गया 11 और 11 गुड़े माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों 21 माइनस 33, कितना आ जाएगा 21 माइनस 33, और जब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 से 1 गया 2 और 3 से 2 गया 1, यानी माइनस का 12। ये आपका आ गया दोस्तों क्या, आपका T12 आ गया, यानी कि जो 12वां पद होगा वो आपका कितना होगा, माइनस का 12 है। ठीक है, कितना होगा दोस्तों, माइनस का 12 है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो समीकरण वाले क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, बस कुछ नहीं करना है, कहीं आपको 15 पदों का योग दे दिया जाएगा, कहीं 15वां पद दे दिया जाएगा, फिर आपसे हो सकता है 3 पदों का योग पूछ ले, कहीं 6वां पद पूछ ले, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बस करना कुछ नहीं होता है, जो आपको ये समीकरण दिए जाते हैं इनको आप समीकरण एक और समीकरण दो मानिए, ठीक है, और इन दोनों समीकरण से आप ए और डी की वैल्यू निकालिए, उसके बाद उस वैल्यू को जो आपसे पूछा गया है, जैसे यहाँ 12वां पद पूछा था तो आपको कुछ नहीं करना था, 12वें पद का यहाँ फॉर्मूला लगा देना था, जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, और बस सब वैल्यू आपको पुट कर देनी थी, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो दोस्तों ये था 18वां क्वेश्चन, और अब हम लोग देखते हैं 19वें क्वेश्चन को। दोस्तों जो 19वां क्वेश्चन है ना हम लोगों को, ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो मैंने 14 आपको बताया था अभी जस्ट पहले, ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों सेम है आपके। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, समांतर श्रेणी के 40 पदों का योग 430 है। ठीक है, कितने, 40 पदों का योग 430 है, यानी सम ऑफ 40 टर्म कितना है, 430 है। इसके बाद बोला गया 60 पदों का योग, यानी सम ऑफ 60 टर्म इज इक्वल टू, ये आपसे बोला गया 945 है। ठीक है, इसके बाद आपसे दोस्तों 20वां पद पूछा था, यानी T20 पूछा था। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से एक समीकरण बना लेना था, यहाँ से एक समीकरण बना लेना था, दोनों को सॉल्व करते तो आपके पास A और D की वैल्यू आ जाती, और आप फिर इसका फॉर्मूला यूज़ कर देते। ठीक है, क्या कर देते, इसका फॉर्मूला यूज़ कर देते, क्या होता A प्लस 19D। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू रख देनी थी A और D की, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व भी कराया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करते, और मैंने बहुत हिंट दे दी, अब आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अब हमें देखना है 20वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 20वां क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी और सारे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसमें कहा गया, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, क्या दोस्तों, nवां पद आपका दिया गया है 2n+3। ठीक है, nवां पद अगर आपका 2n+3 है, तो उसने बोला है
एन पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी सम ऑफ एन टर्म आपको निकालना है। ठीक है, क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको सम निकालना है तो आपके पास ए और डी की वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ए और डी की वैल्यू होनी चाहिए और एन की वैल्यू होनी चाहिए। तो एन की वैल्यू तो उसने एन ही कहा है क्योंकि एन पदों का योग ही पूछा है। तो आपके पास ये तीन वैल्यूज़ होनी चाहिए, और ये तीन वैल्यूज़ कब होगी आपके पास, जब आपके पास कोई सीरीज़ होगी। ठीक है, तो इससे आप सीरीज़ बना सकते हैं। कैसे, यहाँ बोला है एन व पद आपका कितना है, 2n+3 है। यानी हम अगर मानना चाहें तो बोल सकते हैं दसवां पद इतना है, पाँचवा पद इतना है। ठीक है, उसी तरीके से हम बोल सकते हैं पहला पद। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, पहला पद, या हम बोल सकते हैं दोस्तों एकवा पद। ठीक है, या हम बोल सकते हैं एकवा पद। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना दूसरा पद या दोवा पद। ठीक है, उसी तरीके से हम बोल सकते हैं एकवा पद, या हम बोल सकते हैं पहला पद। ठीक है, तो एकवा पद यानी पहला पद हम निकालना चाहें तो एन की वैल्यू एक हो जाएगी। यहाँ एन की वैल्यू एक रखिएगा तो एक गुणे दो दो, और दो और तीन पाँच हो गया है, यानी कि श्रेणी का जो पहला पद हो गया, क्योंकि एकवा पद का मतलब पहला पद। तो ए आपके पास 5 आ चुका है। ठीक है, ए आपके पास 5 आ चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा पद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी दोवा पद, तो दूसरा पद निकालेंगे तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। एन की वैल्यू जब 2 रखी तो 2 × 2 = 4, 3 × 7 हो जाएगा। तो श्रेणी का दूसरा पद आपका क्या आ गया, 7 दोस्तों, 7 आ गया। और दूसरे पद को हम लिखते हैं ए प्लस डी से, जो कि 7 है। ठीक है, यानी कि श्रेणी का पहला पद 5 आ गया, दूसरा पद 7 आ गया। ठीक है, अब हम यहां से कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालने जाएं तो 2 है, यानी हम सीरीज़ को और बढ़ा सकते हैं। यहां 9 होगा, 9 के बाद 11 होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना था, हमें चाहिए थी ए की वैल्यू और डी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, ए की वैल्यू आपके पास 5 है और डी की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 है। ठीक है, अब आपको निकालना था एन पदों का योग निकालना था हमें। क्या निकालना था दोस्तों, हमें निकालना था एन पदों का योगफल। तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू होता है एन वाई टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है। तो अब आप लगा दीजिए सम ऑफ एन टर्म के फॉर्मूले, सारी वैल्यू रखिए, n आपका n ही है क्योंकि उसने n पदों का ही कहा है, तो n बटे 2 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे देखिएगा, इसके बाद आपका ये हो जाएगा 2, और a की वैल्यू आपकी कितनी है, 5 है। ठीक है, ए की वैल्यू 5 है प्लस एन माइनस 1 ही रहेगा, और डी आपके पास कितना है, 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो ये एन वाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2n-2। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2n-2। यहाँ से आगे और सॉल्व करेंगे तो एन वाई 2, और 10 से 2 गया तो ये 8 बचा, 8+2n। ओके दोस्तों, अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लिए तो बाहर हो जाएगा 2n/2। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 4+n, कितना बचेगा दोस्तों, 4+n, 2 से 2 कट गया, तो n ब्रैकेट के अंदर 4+n, ये हो जाएगा आपका सम ऑफ n टर्म की वैल्यू। ठीक है, n पदों का जो योग होगा इस सीरीज़ के लिए, इस सीरीज़ के लिए। ठीक है, और हमने सीरीज़ भी यहाँ से निकाल लिए, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आपसे सीरीज़ भी पूछ लेता इसी क्वेश्चन में, तो आपको सीरीज़ भी बनाना आ जाता यहाँ से। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता कि सीरीज़ जो है वो आपका 5 पदों तक दिखाइएगा, तो हमने अभी 4 पद लिए, 5 पद और निकाल लेते तो 11 में फिर 2 ऐड करिए तो 13 हो जाता, इस तरीके से। ठीक है, आपसे ऐसा पूछ सकता था, सर्वांतर पूछ सकता था, तो सर्वांतर आपने 2 निकाल लिया। ठीक है, आपको यहाँ दिया था बस एन व पद दिया था, आपसे एन व पद दिया था, तो इसमें हम अगर एन बराबर 1 रखें तो वो हमारा पहला पद आ जाएगा, एन बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, एन बराबर 3 रखेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे, बट हमने सर्वांतर निकाल लिया तो हमने ऐड कर देंगे सीधा, तो हमारी सीरीज़ आ गई, और सीरीज़ आने के बाद हमने ए और डी की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। ये था हमारा 20वां क्वेश्चन, और 21वां क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है आपके PDF नोट्स में, वो क्या दिया गया है दोस्तों, उसमें कहा गया किसी समांतर श्रेणी के, यानी कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके P पदों का योग जो है P² + 10P है, यानी सम ऑफ P टर्म इज इक्वल टू, सम ऑफ P टर्म इज इक्वल टू आपका दिया है दोस्तों P² + 10P, ये आपका दिया है। तो बोला है श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालिए। ठीक है, श्रेणी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद आपसे पूछे हैं। ठीक है, यानी कि हमें T1 निकालना है, T2 निकालना है, T3 निकालना है और T4 निकालना है।
आगे बोला है श्रेणी के दोस्तों चार पद निकालिए तथा सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी पूछा है आपसे, ठीक है। ये दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, देख लीजिएगा एक बार फिर से। आपसे क्या श्रेणी के जो दोस्तों चार पद हैं वो पूछे गए हैं और आपको सर्वांतर डी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? सर्वांतर डी निकालना है। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन जस्ट सेम है जैसे पीसी अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए। वहाँ दिया था आपको एन वा पद, बट यहाँ दिया है एन पदों का योग यानी पी पदों का योग, ठीक है। तो पी पदों का योग आपका इतना है, यानी अगर हम बोलना चाहें हम बोल सकते हैं पाँच पदों का योग है कुछ, दस पदों का योग है कुछ, ठीक है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि पहले पद का योग, और श्रेणी के पहले पद का योग क्या पहला पद ही होता है? क्या होता है दोस्तों? श्रेणी का जो पहला पद होता है वो पहला पद ही होता है। आपकी जो श्रेणी होती है ए ए प्लस डी के फॉर्म की होती है इस तरीके से। अगर हम बोलना चाहें श्रेणी का पहला पद या हम बोलें श्रेणी के पहले पद का योग, तो वो तो ए ही होगा ना, क्या होगा? ए ही होगा। तो अगर यहाँ से हम निकालना चाहें श्रेणी के पहले पद का योग यानी सम ऑफ वन, ठीक है। सम ऑफ वन मतलब श्रेणी के पहला पद का योग या श्रेणी का पहला पद, तो पी की जगह वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर वन प्लस टेन इंटू वन, तो टेन हो गया यानी अलेवन आ गया। तो श्रेणी के पहले पद का योग हम कह सकते हैं दस आ गया, या श्रेणी का पहला पद ए हमारे पास दस आ गया, वो सॉरी ग्यारह आ गया, ठीक है। तो बात तो एक ही है, या हम कहें श्रेणी का पहले पद का योग या श्रेणी का पहला पद, तो अलेवन आ गया। ये था एक पद का योग, ठीक है। अब हम निकालना चाह रहे हैं श्रेणी के दो पदों का योग यानी कि पहले पद का और दूसरे पद का, इन दोनों का योग कितना आएगा? तो सम ऑफ टू टर्म हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पी की जगह आप दो रखिए तो दो दूना चार हो जाएगा, प्लस दो एकदम बीस हो जाएगा, और बीस चार चौबीस आ गया, यानी कि श्रेणी के दो पदों का योग चौबीस है। श्रेणी के एक पद का योग हमारे पास कितना है? ग्यारह है। और श्रेणी के इन दोनों पदों का योग कितना आ गया? इन दोनों पदों का योग आ गया चौबीस, ठीक है। अब जब दो पदों का योग हमारे पास 24 आ गया और एक पद हमारे पास 11 है, तो दूसरा पद कितना होगा? कितना होगा दोस्तों? इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 24 माइनस का 11 जब हमने किया तो 4 से बन गया 3 और 2 से बन गया 1, यानी कि आपका दूसरा पद कितना होगा? 13 होगा, क्योंकि पहला पद हमारे पास 11 था, ठीक है, ए हमारे पास 11 था, और जो दूसरा और जो दोनों पदों का योग था यानी ए और ए प्लस डी, इन दोनों का जो योग था वो 24 था। तो हमने दूसरा पद निकाल लिया दोस्तों, क्या क्या निकाल लिया दोस्तों? हमने यहाँ से निकाल लिया 13, ठीक है। क्या निकाल लिया? 13 निकाल लिया, ठीक है। दूसरा पद हमारे पास क्या आ जाएगा? 13। पहला आ गया 11 और दूसरा आ गया 13, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ से कि पहला पद आपका 11 है और दोनों पदों का योग 24 है। देख लीजिए 3 और 1 4 और 1 2, तो 24 आ गया ना दोनों पदों का योग। तो कॉमन डिफरेंस कितना रहा फिर इन दोनों के बीच का? कॉमन डिफरेंस आपका कितना रहा? कॉमन डिफरेंस आपका 2 रहा। आपसे श्रेणी के कितने? चार पद पूछे हैं। आपने श्रेणी के दो पद तो निकाल लिए, अगला पद निकालने के लिए इसमें 2 ऐड करिए तो 13 2 15, अगला चौथा पद निकालने के लिए फिर से 2 ऐड करिए तो 15 2 17, तो ये आपकी सीरीज़ आ गई, ठीक है। सीरीज़ आ गई और सीरीज़ में चार पद पूछे थे, तो ये T1 ये T2 ये T3 और ये T4 हो गया। सर्वांतर पूछा था D, तो सर्वांतर D आपका 2 रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? D यानी कि 2 रहेगा। तो आपकी सीरीज़ भी आ चुकी है और आपका कॉमन डिफरेंस D भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप दोस्तों हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? ये था हमारा 21वां क्वेश्चन, और अब हमें दोस्तों सॉल्व करना है हमारे 22वें क्वेश्चन को, ठीक है। 22वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन क्या अगर बोला जाए तो ये पूरा लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ जो आपके लॉन्ग है, ठीक है। क्या है दोस्तों? वो सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 5 मार्क का पूछा जाता है, ठीक है ना। इसलिए इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। अगला जो 22वां क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझिएगा पहले, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे तो समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से थोड़ा समझिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है अगर कहा जाए तो भी। आगे दोस्तों अब इसमें क्वेश्चन में आपसे बोला गया है दो समांतर श्रेणी, ठीक है, दो समांतर श्रेणी के एन पदों के योग का अनुपात। समझ रहे हैं ना दोस्तों? कोई दो आपकी सीरीज़ है, मान लीजिए ये आपकी सीरीज़ वन है, ये क्या कोई सीरीज़ वन है, इसके बाद मान लीजिए ये सीरीज़ टू है, ये सीरीज़ वन है, ये सीरीज़ टू है आपके पास। तो उन्होंने कहा है कि श्रेणी के एन पद, मान लीजिए इसमें कुछ पद हैं आपके, इसमें कुछ पद हैं, तो इनके पदों का योग यानी इसके पदों का योग सम ऑफ एन टर्म, और इसके एन पदों का योग यानी सम ऑफ एन टर्म, ठीक है।
तो ये अगर पहली श्रेणी के लिए तो इसमें वन हमने कह दिया, ये दूसरी श्रेणी के लिए तो हमने इसमें टू कह दिया। इन दोनों का रेशियो यानी कि एस ऑफ एन वन, ठीक है, एस एन ऑफ टू, इन दोनों का जो रेशियो आपको दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है 7n+1 और दिया गया है 4n+27, ये दिया गया है, ठीक है। एस एन का मतलब क्या है, एन पदों का योग, और वो भी किसके लिए, यहाँ वन लगा है मतलब पहली सीरीज के लिए, और एस एन मतलब क्या, एन पदों का फिर से योग, और टू लिखा है मतलब दूसरी श्रेणी के लिए, और उनका रेशियो है क्योंकि बटे में लिखे हैं तो रेशियो, और ये दिया है आपको इतना, ठीक है। तो बोला है उनके 11वें पदों का अनुपात क्या होगा, यानी पहली श्रेणी के 11 पद तो टी ऑफ 11, फोर किसके लिए, फर्स्ट सीरीज के लिए, और यहाँ इसके भी 11 पद यानी टी ऑफ 11 किसके लिए, दूसरी श्रेणी के लिए, तो इनका रेशियो कितना होगा ये आपसे पूछा है, यानी कि टी ऑफ 11 फोर फर्स्ट सीरीज, टी ऑफ 11 फोर सेकंड सीरीज, इनका जो रेशियो होगा वो आपका कितना होगा ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया, 11वें पदों का योग आपसे पूछा गया दोनों सीरीज के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपसे बोला है n पदों का योग, तो n पदों का योग क्या होगा, ठीक है, n पदों का योग होगा n by 2, ठीक है, यहाँ से होगा दोस्तों 2a, a मतलब पहला पद, और वो भी किसका, सीरीज वन का, तो हम इसे लिखेंगे a1 क्योंकि श्रेणी पहले के लिए है, तो 2a+n-1 × d यानी कॉमन डिफरेंस, तो हो सकता है पहली सीरीज़ का अलग हो सेकंड का अलग हो, तो इसे हमने D1 बोल दिया, ठीक है। इसके बाद अपॉन में SN2 यानी ये दूसरी सीरीज़ के लिए, तो n/2 यहाँ रहेगा, n क्यों समान है, क्योंकि दोनों के लिए n पद बोले थे उसने, यानी 10 पद है तो 10 इसके लिए 10 इसके लिए, ये इसका कहने का मतलब है, तो n हमारा सेम रहेगा, यहाँ n1 n2 नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ हो जाएगा 2a2, यहाँ श्रेणी का दूसरा पद है दूसरी सीरीज़ के लिए, तो यहाँ हम a2 रख देंगे, प्लस n-1 × यहाँ d2 हो जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस दूसरी सीरीज़ के लिए है, इस तरीके से। आगे देखेंगे यहाँ हो जाएगा दोस्तों 7n+1 अपॉन यहाँ हो जाएगा 4n+27, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों 4n+27। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, फिर वो आपकी मर्ज़ी, आप लाइक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे दोस्तों ये देखिए n/2 से आपका n/2 कट गया, क्या कट गया, n/2 से n/2 कट गया। अब आगे देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 हमने अब कॉमन ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, लेकिन हम 2 कॉमन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं वो मैं आपको जस्ट आगे बताने वाला हूँ। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, a1 2 आपका बाहर आ गया, ठीक है, प्लस अब यहाँ हो जाएगा n-1/2d1, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जब 2 कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया, यहाँ से हो गया a2+n-1d2 और यहाँ अपॉन में 2 रहेगा, ठीक है, इतना हो गया ना, इज इक्वल टू आपका है 7n+1/4n+27, इतना आपका दिया गया था, ठीक है, ये रेशियो था n पदों के योग का। आगे दोस्तों देखिएगा यहाँ से आपका 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, अब ये आपका क्या बन गया, a+n-1d1 इस तरीके से, ये आपका क्या n-वा पद बन गया ना आप कुछ करके, यानी पहली सीरीज़ का n-वा पद बना कुछ, और ये a2+n-1/2 × d ये कुछ लग रहा है जैसे दूसरी सीरीज़ का n-वा पद हो, क्योंकि फॉर्मूला वैसे ही तो होता है a+n-1 × d, ठीक है, बस यहाँ अपॉन में 2 आ गया है, तो कुछ नहीं, यहाँ हम कह सकते हैं d का गुणांक है, ठीक है, ये बोल सकते हैं ना d का गुणांक है, तो गुणांक से कोई हमें फ़र्क नहीं आने वाला, ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं a+n-1 × d1, और इसे हम बोल सकते हैं पहली सीरीज़ का n-वा पद, और ये बोल सकते हैं दूसरी सीरीज़ का n-वा पद, तो इसे आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मिलेगी हमें हेल्प, यहाँ से, ठीक है, क्या हेल्प मिलेगी, यहाँ लिखा है आपका दोस्तों 11वां पद, ठीक है, क्या लिखा है, 11वां पद लिखा हुआ है पहली सीरीज़ के लिए, तो इसे हम कैसे ओपन करेंगे, इसे हम कैसे ओपन करेंगे, इसे हम ओपन करेंगे a+10d, ठीक है, a+10d1, क्योंकि ये पहली सीरीज़ के लिए है, और इसको हम ओपन, अब ये 10d क्यों आ गया, मैंने कई बार आपको बताया a+n-1 × d, n की जगह 11 रखेंगे, 1 घटाएंगे तो 10 आएगा, फिर 10 का गुणा d से करना है, तो यहाँ d आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, इसी तरीके से ये निकालेंगे तो ये आएगा आपका a2+, क्या आएगा दोस्तों, a2+, इसके बाद यहाँ भी आपका कितना आ जाएगा, 10d2 आ जाएगा, ठीक है, ये इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना दोस्तों इतना। अब देखिए ये पहली सीरीज़ के लिए था, ये आपका दूसरी सीरीज़ के लिए है,
एनवा पद ए भी है, ए प्लस यहाँ एन माइनस वन की वैल्यू 10 है आपके पास और डी वन, तो ये भी एनवा पद ही है आपका पहली सीरीज के लिए। क्या है? एनवा पद ही है आपका पहली सीरीज के लिए, और ये भी तो एनवा पद ही था पहली सीरीज के लिए। तो क्या हम इन दोनों को आपस में बराबर रख सकते हैं, या आप इन नीचे वालों को बराबर में रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एनवा पद है दूसरी सीरीज के लिए और ये भी एनवा पद ही है दूसरी सीरीज के लिए। तो अगर आप ऊपर वाले से ऊपर वाले की कंपेयर कराएंगे और नीचे वाले की नीचे वाली से कंपेयर कराएंगे तो क्या मिलेगा? देखिए हमने क्या किया, ऊपर वाले से ऊपर वाले की कंपेयर कराई, यानी कि ए वन प्लस टेन डी वन, इसकी कंपेयर कराई हमने किससे, ए वन प्लस एन माइनस वन अपॉन टू डी वन से। तो ए वन से ए वन गया, ठीक है, ए वन से ए वन गया, लेकिन यहाँ से कुछ मिल सकता है। देखिए डी वन का गुणांक कुछ है, यहाँ डी वन का गुणांक कुछ है, तो हमें मिल सकता है टेन इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन टू, क्योंकि डी वन का गुणांक यहाँ ले लिया, डी वन का गुणांक यहाँ ले लिया। अब देखिए एन की वैल्यू हमें चाहिए और वही यहाँ से मिलने वाली है, तो क्या कितना हो जाएगा, टेन इंटू टू ट्वेंटी, और यहाँ से वन ऐड होगा तो एन इज इक्वल टू ट्वेंटी वन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ट्वेंटी वन, यानी हमें पदों की संख्या मिल गई कितनी, एन कितना मिल गया दोस्तों, ट्वेंटी वन मिल गया। बस अब कुछ नहीं करना, यही ट्वेंटी वन उठा करके इस पूरे समीकरण में रख देना, ये जो पूरा समीकरण था मान लीजिए वन था, इस पूरे समीकरण में आपको रख देना है ए प्लस एन माइनस वन अपॉन टू डी वन अपॉन ए टू प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू डी टू और इज इक्वल टू इतना है। इसमें आपको बस एन की वैल्यू रख देनी है, आपका क्या जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं नेक्स्ट पेज में नोट कर रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा जल्दी से, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इसको यहाँ पर नोट कर दिया है, आप देख सकते हैं ये श्रेणी वन के लिए उसका एनवा पद है, ये दूसरा है, ठीक है, दूसरी श्रेणी के लिए। और हमने एन की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी थी, एन की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी शायद ट्वेंटी वन थी, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं। हाँ दोस्तों ट्वेंटी वन हमने कैलकुलेट करी थी, कितनी करी थी, टेन जो ट्वेंटी वन है हमने एन की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करी थी। तो अब आपको एन की वैल्यू इस समीकरण में रख देना है बस, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों ए वन, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ए वन प्लस, अब देखिए n अगर मैंने 21 रखा तो एक उससे घट जाएगा, यानी 20 आ गया, और 20 में 2 से डिवाइड करा तो 10 आ गया, यानी 10d1 हो गया, 10d1 हो गया, ठीक है, अपोन यहाँ से हो जाएगा a2 प्लस, यहाँ भी 10 हो जाएगा, 10d2, ठीक है, 10d2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ n रखना है 21 प्लस 1 करना है, यहाँ 4 इंटू n रखना है 21 प्लस 27 ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करिए तो 7 1 7 और 7 2 14 प्लस 1 करना है, अपॉन यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई करना है तो 4 1 4 और दोस्तों 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 27 आ गया, आगे ये हो जाएगा 148, कितना हो जाएगा दोस्तों 148 हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ आपको इन दोनों को ऐड करना है तो 7 और ये 4 11 हो गया, 8 और 2 10 और ये 11 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 7 4 11 और 8 2 10 11, ठीक है, इतना आ गया। और ये आपका कितना था, ये था आपका दोस्तों कितना, ये था आपका ए वन प्लस 10d1 अपॉन ए टू प्लस 10d2। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो ये किससे कटेगा, ठीक है, ये किससे कटेगा दोस्तों, आप इसको काट सकते हैं, ये आपका कटेगा दोस्तों किससे, आप इसको काट करके देखिएगा दोस्तों, ये कटेगा 37 से आपका, ठीक है, जब आप इसको 37 से काटेंगे तो ये 3 टाइम कटेगा और ये कटेगा 4 टाइम, कितने टाइम, ये 4 टाइम और ये 3 टाइम, यानी आपका आ गया 4/3। बस अब यहाँ एक बात ध्यान दे लीजिए, बस ये जो आपने लिखा है a प्लस 10d1, तो ये क्या है, श्रेणी पहले का 11वां पद है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ नोट भी किया हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पहले देख लीजिए a प्लस 10d1 है अपॉन a2 प्लस 10d2 है, तो हमने अभी वही चीज़ तो यहाँ पर नोट करी थी दोस्तों, देखिए यहाँ पे a प्लस 10d1 और a2 प्लस 10d2 वही तो हमारा था क्या, श्रेणी का 11वें पद और यहाँ श्रेणी का 11वां पद, ठीक है, ये पहली श्रेणी के लिए था, ये दूसरी श्रेणी के लिए था और दोनों का रेशियो यही तो था और यही बराबर करके कुछ हमारा आ गया और वही तो हमें निकालना था, ठीक है, क्या था दोस्तों, वही तो हमें निकालना था, ठीक है, देखिए ये वही तो आ गया हमारा कितना t11, वो भी पहली सीरीज के लिए, और ये हमारा आ गया t11 दूसरी सीरीज़ के लिए, कितना 4/3, और यही रेशियो हमसे पूछा गया था, ठीक है, तो वही रेशियो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं t11 4 किसके लिए, फर्स्ट सीरीज़, और ये क्या है
ये टी 11 है दोस्तों, 4 सेकंड सीरीज, और रेशियो कितना आ गया, 4:3। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन, कौन सा था क्वेश्चन नंबर था दोस्तों 22, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं 23 और 24 क्वेश्चंस को दोस्तों, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है, इनको क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, जो 23वां क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुनिएगा। 23वें क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों, यदि एक समांतर श्रेणी के n, 2n, 3n पदों के योगफल s1, s2, s3 हैं, ध्यान दीजिए क्या है, जो श्रेणी का n पद है, ठीक है, इसका जो सम है, n मतलब n पदों का जो सम है वो s1 है, 2n पदों का जो सम है वो s2 है, और आगे कहा गया है 3n पदों का जो आपका सम है वो कितना है, s3 दिया गया है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू s1, आगे बोल सकते हैं सम ऑफ 2n टर्म इज इक्वल टू s2, सम ऑफ 3n टर्म इज इक्वल टू s3। ये हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, इतना पहले बताइए मुझे, बोल सकते हैं ना, क्योंकि n पदों का योग इतना है, यानी हम बोल सकते हैं सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू s1, सम ऑफ 2n टर्म इज इक्वल टू s2, और सम ऑफ 3n टर्म इज इक्वल टू s3। तब उसने बोला है क्या, तब क्वेश्चन में बोला है कि s2 माइनस s1, ठीक है, s2 माइनस s1 जो है इसका दोस्तों जो 3 गुना होगा, s2 माइनस s1 का जो 3 गुना होगा वो आपका s3 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, s3 के बराबर। ये आपको प्रूफ करके बता देना है बस, क्या s2 माइनस s1 का 3 गुना s3 के बराबर होगा आपका। ठीक है, अब इनको और आप क्या करिए, आगे खोल करके लिखिएगा, ये s1 था, इसको हम कैसे लिख सकते, ये था आपका n पदों का योग। ठीक है, क्या था n पदों का योग, तो इसको हम लिख सकते हैं n/2 2a+n-1 d इज इक्वल टू s1, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं पहले वाले को। सेकंड वाले को क्या लिख सकते हैं, ये आपका कितना 2n पदों के लिए है, तो यहाँ हो जाएगा 2n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a+, अब यहाँ n की जगह 2n-1 d, ये आपका क्या हो जाएगा, s2 के बराबर हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a+3n-1 d, और ये रहेगा आपका s3 के इज इक्वल टू, यानी आपके 3 समीकरण आ चुके हैं यहाँ पे, बस आप कुछ नहीं करना, ये s1 s2 s3, ठीक है, यहाँ वैल्यू उठा करके रख दीजिए s2 और s1 की जगह, और आप s3 फाइंड कर लीजिए। s3 फाइंड करने का मतलब क्या, जब आप यहाँ s2 और s1 की वैल्यू रखेंगे, यानी s2 ये और s1 ये, और इसको सॉल्व करने के बाद 3 से जब गुणा करेंगे तो जो आंसर आना चाहिए वो s3 आना चाहिए, s3 मतलब ये आंसर आना चाहिए, इतना सारा ये s3 ये आंसर आना चाहिए, यही तो क्वेश्चन बोला गया है। तो कुछ ना करिए, s2 s1 की वैल्यू यहाँ रखिए, 3 से गुणा करिए, और ये जो आंसर आपको लाना है s3 इज इक्वल टू ये, वो आप प्राप्त करिए। ठीक है, तो चलिए हम s2 और s1 की वैल्यू इसमें आपके लिए रख देते हैं जल्दी से। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला था दोस्तों 3 s2 - s1, ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों कितना, ये रहेगा 3, और s2 आपके पास कितना दिया गया था, s2 दोस्तों आपके पास दिया गया था, देख लीजिए 2n/2, ठीक है, 2n/2 और ब्रैकेट के अंदर था 2a, ठीक है, 2a+n आपके पास 2n था, 2n-1 d, ये आपका दिया गया था, कौन सा, s2, ठीक है, s2 दिया गया था आपका ये। इसके बाद आपको माइनस करना है इससे s1 को, तो s1 दोस्तों जो आपका दिया गया था वो दिया गया था n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a+n-1 d, ये आपका दिया गया था क्या, ये दोस्तों आपका दिया गया था s1, ठीक है, क्या दिया गया था s1, इसको अच्छे से हम लोग नोट कर लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, देख लीजिए आपका था 3, इसके बाद था दोस्तों s2, तो s2 आपका है 2n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a+, ठीक है, 2n-1 d, ठीक है, इस तरीके से, और इससे आपको माइनस करना है कितना, इससे दोस्तों आपको माइनस करना है कितना, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a+n-1 और d, ये आपको क्या करना है, इससे घटा देना है। ठीक है, क्या करना है, इससे आपको घटा देना है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस,
आपका क्या हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका आ जाएगा ये, या आप क्या करिए यहाँ 2 कट ना करिए, यहाँ से n बाई 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। n बाई 2 जब हमने कॉमन लिया तो 3n बाई 2 आपका आ जाएगा बाहर। आप कट भी कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम n बाई 2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। क्यों ले रहे हैं कॉमन, क्योंकि हमें एस 3 बनाना है। तो n बाई 2 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 2, ठीक है। क्या बचेगा, 2 ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा आपका कितना, 2a प्लस, यहाँ बचेगा 2n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका बच जाएगा यहाँ से। इसके बाद देखिए आगे, आगे आपका यहाँ से बचा n बाई 2 निकल गया, तो आपका बच गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका यहाँ से बच गया, ठीक है। क्या बच गया दोस्तों, ये आपका यहाँ से बच गया इतना। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, इसका क्या करिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4a, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 जब 4a प्लस, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ठीक है। अब आप चाहें तो इनको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन बाद में साथ में ही लिखना है। क्यों, क्योंकि हमें एस 3 बनाना है, इसलिए 2 का अंदर ही मल्टीप्लाई करिए, इसको अलग ना करिए, ठीक है। ये हो जाएगा 4n माइनस का 2 इंटू डी, इतना हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए, ये आ गया 4a प्लस 2 जब 4n माइनस 2 इंटू डी, कितना आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हो गया यहाँ पे माइनस, ठीक है, कितना हो गया माइनस, और ये रहा आपका 2a, कितना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका दूसरा टर्म रहा, ठीक है। ये आपका क्या रहा दोस्तों, दूसरा टर्म रहा, और बाहर आपका बचा गया 3n अपॉन 2, ठीक है। 3n अपॉन 2 हो गया। अब इसको आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना, ये आपका हो जाएगा 4a प्लस 4n माइनस का 2 इंटू डी, ये आपका माइनस आ जाएगा, तो ये 2a, और यहाँ अंदर माइनस हो जाएगा, यानी n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। और बाहर बचा 3n अपॉन 2, कितना बचा, 3n अपॉन 2। अब देखिए, आप 4a से 2a घटा दीजिए तो 2a बच गया, प्लस प्लस आप d कॉमन ले लीजिए इसमें और इसमें, जब d कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 4n माइनस का 2, और बचेगा माइनस, ठीक है, माइनस का क्या बच जाएगा, n माइनस 1, n माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1, क्योंकि बाहर से आपका माइनस लगा हुआ है। इसके बाद आपका बाहर क्या है दोस्तों, बाहर है आपका 3n अपॉन 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3n अपॉन 2, और अगर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये 2a प्लस, देखिए 4n से 1n गया, 3n आ गया, माइनस माइनस का 2 से प्लस बन गया, माइनस का 1 बचा, इतना आ गया, इतना आ गया। अब बताइए ये आपका क्या है, ये आपका s3 है कि नहीं है, ये आपका s3 ही तो है, देख लीजिए एक बार फिर से मिला लीजिए। s3 आपका क्या था, यहाँ पे s3 आपका था 3n बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका s3 था, एक बार फिर से देख लीजिए, 3n बटे 2 इसके बाद 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका s3 था, और s3 ही तो प्रूव करना था, और s3 आपका आ गया 3n अपॉन 2, और फिर 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये आपका आ गया, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना था, यही आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, मैंने यहाँ आपसे बताया था कि आप क्या करिए, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, इसको अलग अलग ना करिए, इसको हम अलग इसलिए नहीं किए थे क्योंकि n आपका दोस्तों d के मल्टीप्लाई में ही रखना था। देखिए आपका जो यहाँ पे आया ना ये, और देखिए दोस्तों यहाँ d भी है साथ में, यहाँ छूट गया, तो देखिए d के मल्टीप्लाई में ही तो हमारा n है, और हम यहाँ n को अगर अलग अलग कर लेते तो एक दो स्टेप हमारे और बढ़ जाते, ठीक है, और एग्ज़ाम में हम टाइम वेस्ट कर लेते फालतू, इसलिए हमने क्या किया, n को अलग नहीं किया, d के मल्टीप्लाई में ही लेकर के हम चले आए, और ये हमारा s3 आ गया, ठीक है। इस पूरे को ही हमने s3 कहा है, क्या कहा है, इस पूरे को s3 कहा, और इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, इज इक्वल टू लिया था s2 माइनस का s1, ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों ये था हमारा 23वां क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और लास्ट बचा हुआ 24वां क्वेश्चन, और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोस्तों जो 24वां क्वेश्चन है वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या कहा गया देख लीजिए एक बार, ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन है ये आपके सारे के सारे, जो कि आपके जो एग्ज़ाम में 5 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए 24वां क्वेश्चन, चलिए आप शो हो जाएगा, 24वां क्वेश्चन आपका दोस्तों जो दिया गया है, 24वें क्वेश्चन में कहा गया किसी समांतर श्रेणी के पी क्यू तथा आर पदों की जो एक फल है क्रमशः ए बी सी है। देखिए यहाँ कहा गया पी पद का योग ए है, इसके बाद बोला क्यू पद का योग जो है बी है,
और इसके बाद कहा है आर पद, ठीक है, आर पद का जो योग है वो सी है, ठीक है, पी पद का योग ए है, क्यू पद का योग बी है और आर पद का योग सी है, यानी कि हम बोल सकते हैं सम ऑफ पी टर्म, सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू ए, जैसे हमने बैक में अभी लिखा था ना वैसे ही, सम ऑफ क्यू टर्म इज इक्वल टू बी, सम ऑफ आर टर्म इज इक्वल टू सी, ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तब दोस्तों आपको प्रूव करना है क्या, तब आपको प्रूव करना है ए अपॉन पी, ठीक है, ए अपॉन पी ब्रैकेट के अंदर क्यू माइनस का आपका दिया है दोस्तों आर दिया है, ठीक है, प्लस आगे दिया है बी अपॉन क्यू, ठीक है, आगे दिया है आर माइनस पी प्लस प्लस ब्रैकेट के अंदर दिया है फिर सी अपॉन आर और ब्रैकेट के अंदर दिया है पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, आप पीडीएफ से देखते जाइएगा, ठीक है, ये आपका सिद्ध करना है, ठीक है, ए अपॉन पी ब्रैकेट के अंदर क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर ब्रैकेट के अंदर फिर से पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी की वैल्यू आपको रख देनी है, ए बी सी की वैल्यू आपको ये दी गई है, अब ये सीधा नहीं रखना, इसको अभी और डिफाइन करिएगा आगे, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये था आपका सम ऑफ पी टर्म, ठीक है, पी पदों का योग, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं क्या, पी बाई टू ब्रैकेट के अंदर टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस क्यू पदों के लिए लिख सकते हैं क्यू अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये हम इसके लिए लिख सकते हैं। इसी तरीके से आर के लिए लिखेंगे तो आर अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये हम लोग आर पदों के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अब हमारे पास ए की वैल्यू, ये हमारे पास बी की वैल्यू और ये हमारे पास सी की वैल्यू, अब ए बी और ये सी इनकी वैल्यू उठा करके आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ दिया क्या था एक बार फिर से नोट कर लीजिए, यहाँ आपका दिया था दोस्तों ए अपॉन पी ब्रैकेट के अंदर है क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू और ब्रैकेट के अंदर आर माइनस पी, और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूछा भी नहीं गया, आपका जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इतना था। अब यहाँ ए बी और सी इनकी वैल्यू यहाँ से रखिए, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है पी अपॉन टू, ए की वैल्यू आपकी है पी अपॉन टू हो गया, लेकिन पी पहले से था तो पी मैंने रख दिया, इंटू क्यू माइनस आर था तो क्यू माइनस आर रख दिया, और साथ में अभी अंदर का रखना है, अंदर क्या है टू ए प्लस पी माइनस का वन, ठीक है, टू ए प्लस पी माइनस का वन इंटू डी, ठीक है, ये भी आपका इंटू में है इसके, तो ये मैंने रख दिया, पहला टर्म आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्लस आपको बी की वैल्यू रखनी है, तो बी की वैल्यू है क्यू अपॉन टू, q अपॉन टू करा मैंने, टू करने के बाद नीचे भी यहाँ भी q है तो मैंने उसको रख दिया, इंटू आपका था r माइनस पी तो मैंने वो रख दिया, और फिर यहाँ रखना ये अंदर ब्रैकेट वाला टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, क्या है दोस्तों टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये आपका अंदर दिया था तो मैंने वो रख लिया, आपका दूसरा टर्म कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको तीसरा टर्म लिखना है, ठीक है, तीसरा टर्म है आपका c अपॉन r, और C की वैल्यू आपकी क्या दी गई है एक बार फिर से देखिए, C की वैल्यू है आपके पास R अपॉन टू, तो यहाँ से हो जाएगा R अपॉन टू और अपॉन में भी आपका R है तो R लिख दिया। इसके बाद यहाँ देखिए P माइनस क्यू है तो P माइनस क्यू लिख लिया। इसके बाद R अपॉन टू के बाद बचा हुआ जो पार्ट है आपका टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, आर माइनस वन इंटू डी, ठीक है, और इसको हमें प्रूव करना है जीरो के इक्वल, ठीक है, यानी कि इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपका जीरो आ गया तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो जीरो कैसे प्रूव करेंगे चलिए देखिएगा, ठीक है, देखिए पहले तो आपका यहाँ से पी कट गया, यहाँ क्यू से क्यू कट गया, यहाँ आपका आर से आर कट गया, ठीक है, पी से पी कट गया, क्यू से क्यू और आर से आर कट गया। अब इसके बाद आपका यहाँ है एक बटा दो प्लस एक बटा दो प्लस एक बटा दो, यहाँ बचा ना एक बटा दो और इज इक्वल टू जीरो है, तो आप एक बटा दो कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेने के बाद वो इनटू में आ जाएगा और यहाँ आपका जब जाएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, यानी फिर बचेगा आपका क्या, फिर आपका केवल बचेगा केवल कितना, यहाँ से बचेगा क्यू माइनस आर ब्रैकेट के अंदर बचेगा टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, इतना बच गया, प्लस यहाँ से बचेगा आर माइनस पी
ब्रैकेट के अंदर बच गया दोस्तों 2a प्लस क्यू माइनस वन इन टू डी, इतना बच गया। और प्लस बच जाएगा ये वाला पार्ट, कितना है p माइनस क्यू और ब्रैकेट के अंदर है 2a प्लस आर माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपका इतना बच गया। बस अब आप कुछ नहीं करना है, इन सब का अंदर मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है। तो पहले हम इनका अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले कुछ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्यू माइनस आर, यहाँ देखिए 2a था प्लस, पहले हम d का मल्टीप्लाई कर लेते, तो यहाँ हो जाएगा pd माइनस का d, इतना हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी करिए, तो ये हो जाएगा r माइनस का p, इसके बाद हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ से हो जाएगा qd माइनस का d हो जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद प्लस, आगे देखिए, अब इसको यहाँ पे करना है, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू और ब्रैकेट के अंदर यहाँ से 2a प्लस rd माइनस का d, ठीक है, ये हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, अब जो बाहर वाला टर्म है उसका अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए बस, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, क्यू का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म में कराना है, उसके बाद माइनस, फिर आर का जो मल्टीप्लाई है दोस्तों वो तीनों टर्म में कराना है, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से, आपका जो क्यू है पहले क्यू का मल्टीप्लाई तीनों में कराइए, फिर माइनस लगाइए, फिर आर का मल्टीप्लाई तीनों में कराइए, इसी तरीके से यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। तो जब आपने क्यू का मल्टीप्लाई इसमें करा दिया, तो आपका आ जाएगा 2a क्यू, इसके बाद यहाँ कराएंगे तो आ जाएगा pqd, इसके बाद यहाँ आ जाएगा माइनस का qd, ओके। अब इसके बाद लगाना है माइनस, क्योंकि यहाँ आप r का कराना है, तो अब ये सारे चेंज साइन चेंज हो जाएंगे, यानी 2ar माइनस का 2ar, ये हो जाएगा माइनस का rpd, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस का आपका rd आ गया, ठीक है। इसके बाद अब इसका मल्टीप्लाई कराना है, तो प्लस लगा दीजिए, यहाँ से हो जाएगा टू ए आर, इसके बाद यहाँ हो जाएगा आर क्यू डी, इसके बाद माइनस आर डी, ओके। अब कराना है माइनस पी का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा 2ap माइनस का 2ap, इसके बाद इसमें कराइए, तो ये हो जाएगा माइनस का pqd, इसमें कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का pd आ जाएगा, ठीक है। फिर से प्लस, अब ये लास्ट टर्म बचा, तो इसका कराइए पहले p का पूरे में, तो यहाँ से हो जाएगा 2ap, इसके बाद इसमें कराएंगे तो प्लस rpd, इसमें जब d में कराएंगे तो माइनस का pd, ओके। अब इसमें माइनस q का कराना है पूरे में, तो माइनस का 2aq, इसमें कराएंगे तो माइनस का यहाँ से qrd हो जाएगा, माइनस का qrd। बस इसमें मल्टीप्लाई ही मेन चीज़ है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, 2aq हो गया, माइनस का qrd हो गया, इसके बाद माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस, प्लस का qd हो गया, कितना हो गया qd इज इक्वल टू आपका 0 दिया गया है। अब बस इसको काटने में आएगा मज़ा, अब देखिए इसको सारे के सारा काटना है आपको, तो ये देख लीजिए 2aq है, ये 2aq है, ढूंढिए इसका सहपाठी कहाँ, 2aq, देखिए ये मिल गया माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, दोनों खत्म, ठीक है, दोनों ख़त्म। यहाँ से pqd है, ये पॉजिटिव का, इसका हम शकल ढूंढिए नेगेटिव, pqd, देखिए pqd, और ये भी pqd, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का गया। यहाँ से qd, अब इसका भी हम साथ ही ढूंढिए qd, तो qd ये था, अब qd कहाँ, ये देखिए एंड में रखा है, qd ये गया, ये है माइनस का 2ar, अब माइनस का 2ar ढूंढिए, तो ये हो गया 2ar, ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी गया, ठीक है। यहाँ देखिए rpd है, ये माइनस का है, rpd आपको प्लस का ढूंढना है, तो rpd ये मिल गया, यहाँ से rd प्लस का, तो rd ये माइनस का गया, ठीक है। इसके बाद ये rqd प्लस का, rqd कहाँ है आपका, rqd ढूंढिए दोस्तों, rqd आपको कहाँ मिलेगा, देखिए ये मिल गया rqd, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव गया, ये बचा 2ap माइनस का और ये 2ap प्लस का, तो इनसे सब सारा का सारा ख़त्म, एक और बचा ये pd, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी गया, तो कितना आ गया 0, इस साइड भी पूरा कटने के बाद 0, तो 0 = 0, यही तो सिद्ध करना था, यानी कि आपको सिद्ध क्या करना था, आपको सिद्ध करना था जो ये वैल्यू थी आपकी, ये 0 के बराबर आनी चाहिए, तो आपकी 0 के बराबर आ गई बस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।
तो दोस्तों वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो गया होगा, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताए ना दोस्तों, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 5 मार्क के आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 मार्क के पूछे जाते हैं, लेकिन अभी यहीं इन क्वेश्चंस का अंत नहीं होता है। अभी पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और पीडीएफ की जो लास्ट के मैंने 3 क्वेश्चन बताए थे ना, वो भी आपके बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, 5-5 मार्क के क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका कौन सा 24वां क्वेश्चन, और आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दोस्तों पीडीएफ नोट्स मिला है कि नहीं मिला प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। नहीं मिला तो मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको पीडीएफ नोट प्रोवाइड कराने की। वैसे तो मैंने आपको जो है दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दी गई है, ठीक है। मैं आपको चाहता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देता, बट क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ स्टूडेंट के लिए लिंक तो खुल जाता है, बट कुछ स्टूडेंट के लिए लिंक खुलता ही नहीं है। तो इससे बेटर ये रहेगा कि आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, वो भी परमानेंटली, ठीक है। कोई डाउट होता है तो आप वो भी वहाँ पूछ सकते हैं, और पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। और वो आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जाता है तो वहाँ हो सकता है कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, ठीक है। इस तरीके की प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और जाकर के बस कुछ नहीं कमेंट करना है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट करके, तो आपको तुरंत ही पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक है। और ये इन क्वेश्चंस को दोस्तों बढ़िया से सॉल्व करिएगा, आप नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।